आयतल कुर्सी की फजीलत। आयतल कुर्सी कुरान मजीद की सूरा अल बकरा की आयत नंबर 255 है और इसे कुरान की अजीम तरीन आयत में शुमार किया जाता है। ये आयत अल्लाह ताला की वहदानियत, कुदरत, इल्म और उसकी लाजवाल ताकत को बयान करती है। इसमें अल्लाह की सिफात का तज़किरा है जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह तमाम चीजों पर कादिर है और हर शय का इल्म रखता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम ने आयत अल कुर्सी की बेहद फजीलत बयान की है। अहादीस में आता है कि जो शख्स इस आयत को हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ता है, इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का पर्दा रह जाता है। एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को सोने से पहले आयत अल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह इसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो रात भर उसकी हिफाजत करता है और शैतान उसके करीब नहीं आता। आयत अल कुर्सी पढ़ने से दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है और इंसान को अल्लाह की कुर्बत का एहसास होता है। इसके अलावा ये आयत बरकत और हिफाजत का जरिया भी है। इस आयत के अल्फाज अल्लाह ताला की किब्रियाई और अजमत को बयान करते हैं और हमें ये याद दिलाते हैं कि हर चीज अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। जब इंसान को किसी परेशानी या मुश्किल का सामना हो तो आयत अल कुर्सी का वर्द करना इसे अल्लाह की मदद और सुकून फराहम करता है। आयत अल कुर्सी में अल्लाह के जो सिफाती नाम आए हैं वो इसके बेमिसाल इल्म व हिकमत, कुदरत व इख्तियार और उसकी हिफाजत को जाहिर करते हैं। के अल्फाज इंसान को अल्लाह की वहदानियत और उसकी जिंदगी पर एतमाद की तरफ रागिब करते हैं। अल्लाह ताला को किसी चीज की जरूरत नहीं है और वही तमाम कायनात को संभाले हुए है। आयत अल कुर्सी को हिफाजत और बरकत के लिए घरों, दुकानों और सफर के दौरान भी पढ़ा जाता है। ये आयत इंसान को शैतानी वसवसों और नुकसानदेह असरात से महफूज रखती है और अल्लाह की रहमत व हिफाजत का अहाता फराहम करती है। आयत अल कुर्सी की तिलावत रोजमर्रा के मामूल में शामिल करना हर मुसलमान के लिए फायदामंद है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के कुर्ब का वादा और हिफाजत का एहसास मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन